नमस्ते बच्चों, माई सेल्फ जायसवाल सर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9, मैटर इन अवर सराउंडिंग। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि किस तरीके से गैस को लिक्विड में चेंज किया जा सकता है। सो गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाई अप्लाइंग प्रेशर एंड कूलिंग डाउन देम। सो बाई रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर एंड कूलिंग एंड देन सडनली एक्सपेंशन, अगर उनको कूल कर दो और फिर अचानक एक्सपेंड कर दो तो गैस को लिक्विफाई किया जा सकता है। क्योंकि जब हम कंप्रेस करते हैं तो गैस गर्म हो जाएगी, उसका टेम्परेचर राइज करता है। सो इट कैन नॉट फर्दर बी कंप्रेस्ड, तो उसके लिए हम उसे अगर कूल करें तो और कंप्रेस कर सकते हैं। तो कूल करते जाइए, कंप्रेस करते जाइए और एक टाइम पे पार्टिकल्स बहुत पास आ जाएंगे। जब पार्टिकल्स पास आ जाएंगे तो उनके बीच में इंटर मॉलिकुलर फोर्स बढ़ जाएगा और आप उसको कूल कर रहे हैं तो कूल करने की वजह से उसकी थर्मल एनर्जी यानी हीट एनर्जी कम हो जाएगी एंड दे विल हैव हायर इंटर मॉलिकुलर फोर्स और वो लिक्विफाई हो जाएंगे। लेकिन एक शर्त ये भी है कि उसको सडनली एक्सपेंशन भी करना है। एक्सपेंड क्यों करना है? एक्सपेंशन से क्या होता है? जब किसी नैरो पैसेज से गैस, ये नैरो पैसेज है और अगर इसमें से गैस बाहर निकले और इस तरीके से निकले तो ये बहुत कूल हो जाती है। तो नैरो पैसेज है, नैरो ओपनिंग से अगर गैस को बाहर निकाली जाए तो वो कूल हो जाएगी। जैसे आप रिफिल से या स्ट्रॉ से, जो पेप्सी की स्ट्रॉ होती है उसमें से फूकेंगे तो दूसरी तरफ से ठंडी हवा आएगी। और कुछ न करें, मुंह से ही फूकें और हाथ में उसको पाम पर अगर हवा देखें तो बहुत ठंडी आती है, और पूरा मुंह खोल के हवा निकालें तो वो गर्म होती है। तो इससे हमें पता चलता है कि गैस को फर्दर भी कूल करना होता है। तो इसलिए अगर इसका जेट एक्सपेंशन करें तो देन इट कैन बी लिक्विफाइड। आपके बुक में पेज नंबर 23 में ये बात दी गई है और उसका फिगर भी दिया गया है, जिसे आप देखकर पता कर सकते हैं। नाउ वी विल सी यूनिट ऑफ टेम्परेचर। हम टेम्परेचर के बारे में जानेंगे और उसकी यूनिट के बारे में। सो वॉट इज टेम्परेचर? डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स टेम्परेचर। सो इट इज डिग्री, यानी कितना वो हॉट है, या मीजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस। मीजर ऑफ डिग्री ऑफ, डिग्री का कुछ और मतलब नहीं है, एक्सटेंट ऑफ हॉटनेस ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स टेम्परेचर। जैसे टेम्परेचर यही बताता है कोई चीज़ कितनी हॉट है और कितनी कोल्ड है, इसी के बारे में बताता है। जैसे मान लीजिए एक ग्लास में रखा हुआ पानी, उसका भी टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, और वही सी का वाटर, उसका भी टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। सो ये बताता है कि दोनों में डिग्री ऑफ हॉटनेस सेम है। लेकिन उसी सी में अगर हम देखेंगे हीट एनर्जी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो बल्क में है, बहुत ज़्यादा है, और ग्लास में हीट एनर्जी या थर्मल एनर्जी कम है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हीट एनर्जी अलग चीज़ होती है और डिग्री ऑफ हॉटनेस अलग होती है। अगर एक बूंद खौलता हुआ पानी भी हो तो उस वो भी 100 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, और अगर कोई बहुत बल्क में पानी गर्म हो और उबल रहा हो तो उसका भी डिग्री ऑफ हॉटनेस वही हो सकता है। तो दो अलग अलग चीज़ों का, जो थोड़े अमाउंट में हो और ज़्यादा अमाउंट में हो, उनका टेम्परेचर सेम हो सकता है, लेकिन हीट एनर्जी ज़्यादा उसमें होगी जो चीज़ बल्क में होगी, जो चीज़ बड़े अमाउंट में होगी। तो हमें अंतर समझना चाहिए कि हीट क्या है और टेम्परेचर क्या है। हीट एक एनर्जी है और टेम्परेचर सिर्फ यही बताता है कि वो कितना हॉट है। तो इस तरीके से हमने टेम्परेचर के बारे में बताया। बाकी बात है कि हम टेम्परेचर को मीजर कैसे करते हैं। तो इसके लिए दो साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके की स्केल दी है।
दिस इज थर्मामीटर। तो अगर आप मान लीजिए दो थर्मामीटर लें, बिल्कुल आइडेंटिकल थर्मामीटर लें और इसमें हम मरकरी भर दें, और इसके बीच में बहुत पतली कैपिलरी होगी जिसमें मरकरी राइज कर सकता है, तो ये मरकरी राइज करने के लिए कैपिलरी है, तो दिस इज फाइन कैपिलरी फॉर राइजिंग मरकरी। इसमें तो दोनों में मरकरी राइज कर सकता है, यहाँ मरकरी है। तो अब एक है सेल्सियस स्केल और एक है केल्विन स्केल, क्योंकि आप लोग जनरली जानते हैं कि जो हम लोग टेम्परेचर मीजर करते हैं वो डिग्री सेल्सियस में बोला जाता है कि 25 डिग्री सेल्सियस है, या आज का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो डिग्री सेल्सियस एक कॉमन मीजर है। तो एक है कि सेल्सियस स्केल, सेल्सियस स्केल हो गया, और दूसरा है केल्विन स्केल। दोनों ही साइंटिस्ट के नाम पर है, दो साइंटिस्ट ने एक जैसे थर्मामीटर लिए। अब दोनों को आइस में रखा, तो आपको मालूम है कि जो आइस मेल्ट होती है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो जब वो मेल्ट होने लगी तो जो सेल्सियस साइंटिस्ट थे उन्होंने यहाँ पर उस जितना मरकरी ऊपर उठा, जब आइस मेल्ट हो रही थी उस समय मरकरी कुछ लेवल ऊपर उठा होगा, तो वो जहाँ तक उठा होगा उसमें उन्होंने 0 लिखा। ये जैसे देखिए, तो ये एक हमारे पास थर्मामीटर है, तो थर्मामीटर में जहाँ तक ये जाएगा, तो सेल्सियस स्केल वाले ने देखा कि इसको मेल्टिंग आइस जिस लेवल तक जाता है, ये देखिए लेवल दिख रहा है, ये है लेवल, तो ये इसमें ये लेवल दिख रहा है, तो जहाँ तक जाएगा उसमें उन्होंने 0 लिखा। लेकिन केल्विन ने ऐसा नहीं किया, केल्विन ने वही मरकरी उसी आइडेंटिकल डिवाइस में, दोनों की डिवाइस सेम है, जहां पर आइस मेल्ट हुआ उसको उन्होंने 273 लिखा, और उन्होंने टेम्परेचर की यूनिट केल्विन बताई जबकि इन्होंने डिग्री सेल्सियस बताई। तो आइस पॉइंट है, ये दोनों ही आइस पॉइंट है, तो ये पॉइंट मैं क्या बता रहा हूं, आइस पॉइंट। आइस पॉइंट का मतलब मेल्टिंग पॉइंट, आप समझ लीजिए। तो मेल्टिंग पॉइंट पर सेल्सियस स्केल वाली डिवाइस में 0 डिग्री सेल्सियस निशान लगा दिया मार्कर से, और इसमें 273 लगा दिया। फिर उसी को, इसी थर्मामीटर को बॉइलिंग वाटर में रखा गया, तो बॉइलिंग वाटर में रखा गया तो मरकरी एक्सपेंड किया, कभी भी किसी चीज को हीट करते हैं तो एक्सपेंड करती है, तो मरकरी भी एक्सपेंड करेगी, तो जब एक्सपेंड करती है तो वो और राइस करेगी। तो जब बॉइलिंग वाटर में रखा गया तो मरकरी राइस करके और ऊपर चढ़ी, क्योंकि उसका वॉल्यूम बढ़ गया था तो ऊपर चढ़ी। तो ये जहां पर पहुंची उसको सेल्सियस साइंटिस्ट ने 100 डिग्री सेल्सियस लिखा, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। और जबकि इन्होंने उसी पॉइंट को, दोनों ही डिवाइस एक ही हैं बस लिखने का अंतर है, तो इन्होंने इसको 373 केल्विन लिखा। तो दोनों ने बस मार्किंग अपने मन की है। तो ये जो पॉइंट मैं बता रहा हूं ये बॉइलिंग पॉइंट है, या स्टीम पॉइंट भी कहते हैं। तो और इसके बीच में 100 ग्रेजुएशन किए गए, 100 डिवीजन्स, फिर ऐसे इसमें भी 100 डिवीजन कर दिए गए स्केल में, सो यहां भी 100 डिवीजन और यहां पर भी 100 डिवीजन। तो मान लीजिए अगर कुछ डिवीजन्स हैं, अगर आप ये मान लें एक्स डिवीजन्स हैं या सी डिवीजन है, तो इधर ही देख लो, अगर मान लो यहाँ 10 डिवीजन्स हैं, 10 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे वो क्या पहुँचेगा, देखो 0 डिग्री सेल्सियस में 273, अब यहाँ भी तो 10 ऊपर जाओगे क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ डिवीजन तो सेम है, तो 10 डिग्री सेल्सियस में कितने केल्विन हो जाएंगे, तो 273 और +10। तो यही चीज कही गई है कि जितने डिग्री सेल्सियस हों उसको अगर आपको केल्विन में बदलना है, तो मान लो एक्स डिग्री सेल्सियस है, एक्स एक्स का मतलब 10 समझो, तो अगर उसे केल्विन में बदलना है तो 273 जोड़ दो। आप देख लो मैंने 10 डिग्री सेल्सियस लिखा है, तो 10 डिग्री सेल्सियस
और उसमें 273 जोड़ दिया। डिग्री सेल्सियस लिखने की जरूरत नहीं है, जितने भी डिग्री सेल्सियस हो वो लिखो, तो कितना बन जाएगा 283, क्योंकि यहाँ पर भी तो 10 ऊपर चढ़ोगे, जब यहाँ 10 ऊपर गए हो तो यहाँ भी 273, 274, 275, तो 283 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये जो केल्विन आएगा वो कितना हो जाएगा 283। तो किसी भी यानी टेम्परेचर की दो यूनिट हैं, एक डिग्री सेल्सियस भी है और एक केल्विन भी है। केल्विन को स्टैंडर्ड यूनिट माना गया है, और केल्विन में 273 से नीचे भी टेम्परेचर हो सकता है। कल हम देख रहे थे कि नाइट्रोजन गैस जो है वो कूल होती है तो -200, -196, फिर सॉलिडिफाई होती है तो -220 तक भी चली जाती है। तो निगेटिव में भी टेम्परेचर है, तो इसलिए केल्विन ने एक सुविधा रखी, उन्होंने जीरो और नीचे से शुरू किया, जीरो केल्विन की सारी चीजें। तो केल्विन में टेम्परेचर कभी निगेटिव नहीं होता, सारी गैसेस इसमें। और यहाँ पे वही चीज चलोगे तो वो चीज अगर नीचे चलते जाओगे तो टू, जैसे जीरो से एक नीचे गए तो -1 डिग्री सेल्सियस, और नीचे गए तो -2, और ये देखो 273 नीचे गए हैं, तो यहां पर भी 273 नीचे जाओ तो -273 डिग्री सेल्सियस में जीरो केल्विन है। तो ये चीज हो गई। तो ये दो अलग अलग स्केल हैं। आपको मैं ये बता दूं कि अगर आपको केल्विन में बदलना है किसी चीज को तो डिग्री सेल्सियस और +273 कर दो, यानी 10 डिग्री सेल्सियस मान लीजिए है और आप चाहते हैं कि केल्विन में बदल दें, ये देखो 10 डिग्री सेल्सियस, तो कैसे केल्विन में बदलोगे, यहां पर भी 273 से 10 ऊपर चले जाओ तो 283 हो जाएगा। तो 10 डिग्री सेल्सियस को बदलना चाहते हो तो 10 + 273, तो ये फार्मूला है बदलने के लिए। दो अलग अलग स्केल हैं। टेम्परेचर कैन बी मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस एज वेल एज इन केल्विन, बट केल्विन इज द एसआई यूनिट, यानी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। तो मुख्य यूनिट केल्विन माना गया। जैसे मास को आप किलोग्राम में या ग्राम में बदल सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो, लेकिन किलोग्राम को स्टैंडर्ड यूनिट माना गया है। इसी तरीके से लेंथ को सेंटीमीटर, मिलीमीटर या मीटर में एक्सप्रेस कर सकते हो, बट मीटर को स्टैंडर्ड यूनिट माना गया है। ऐसे ही टाइम को सेकंड में, मिनट में, आवर में या डे में या ईयर में एक्सप्रेस कर सकते हो, लेकिन सेकंड को स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट माना गया। तो सबकी अपनी अपनी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है और सारे देश उसको फॉलो करते हैं। तो अगर एक देश को दूसरे देश को बताना है कि भाई इस बॉडी का क्या टेम्परेचर है, तो वो उसको केल्विन में ही बताएगा, डिग्री सेल्सियस में बताने की इजाजत नहीं है। तो ये हमारा फॉर्मूला है, एंड केल्विन इज द स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। सो ये बात यहां देखी गई कि जो हमारा फार्मूला है वो क्या है, केल्विन किसको कहते हैं। सो केल्विन जो है उसको के से एक्सप्रेस करते हैं, कैपिटल के से, इस स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। ऑफ टेम्परेचर स्टैंडर्ड इंटरनेशनल की बात की जाए तो दैट इज एस आई यूनिट। सो केल्विन इज एस आई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। डिग्री सेल्सियस इज अदर कॉमनली यूज्ड यूनिट ऑफ टेम्परेचर, लोग डिग्री सेल्सियस में भी करते हैं। डिग्री सेल्सियस दैट इज डिग्री सेल्सियस, और इसके अलावा डिग्री फॉरेनहाइट, जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर कहते हैं भाई उसकी बॉडी का टेम्परेचर तो 102 डिग्री फॉरेनहाइट है, 102, तो डिग्री फॉरेनहाइट भी एक टेम्परेचर है, उसको भी कुछ लोग लंदन में या ग्रेट ब्रिटेन में इसका इस्तेमाल होता है, डिग्री हाइट इज आर अदर यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर। जैसे लेंथ को देख लो, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर में मीजर किया जाता है, वैसे ही टेम्परेचर की अलग अलग यूनिट हैं, लेकिन इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो केल्विन ही मान्य है। अदर यूनिट्स ऑफ
टेम्परेचर, ये दूसरी यूनिट्स हो गई टेम्परेचर की। और एक बात और देख लें कि अगर आपको केल्विन में बदलना है तो डिग्री सेल्सियस प्लस 273 करना पड़ेगा, ये फार्मूला है। जैसे आपसे कहा जाए कि कन्वर्ट 20 डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन, केल्विन में बदलें तो कैसे आप बदलेंगे, तो केल्विन अगर पूरी स्पेलिंग लिखी जाएगी तो के स्मॉल रहेगा और अगर सिंबल सिंबल लिखा जाएगा तो के कैपिटल, तो इसको केल्विन में बदलना है। तो कैसे बदलें, डिग्री सेल्सियस की जगह आप 20 लिख दें, बस डिग्री सेल्सियस ना लिखें, बस सिर्फ 20 लिखें जो वैल्यू है, वैल्यू वैल्यू डालें और प्लस 273, तो ये 293 केल्विन हो गया। इसका मतलब है कि 293 केल्विन इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियस को आपने बदला ना, तो 20 डिग्री सेल्सियस में कितने केल्विन हुए, 293 केल्विन। ऐसा क्यों, क्योंकि 0 से 20 ऊपर जाओगे तो 273 से भी 20 ऊपर जाओ तो 293 ही तो मिलेगा, क्योंकि जो 0 केल्विन है वही हमने आपको बताया, वो 273 केल्विन भी वही है, मेजरमेंट में बताया कि नहीं। ये देखो जो 0 है वो 273, यहाँ भी 20 ऊपर चलो तो क्या यहाँ 20 ऊपर नहीं चलोगे। तो इस तरीके से 20 डिग्री सेल्सियस इज 293 केल्विन। अब जरा देखें, ऐसा भी कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि कन्वर्ट फोर हंड्रेड केल्विन इंटू डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, केल्विन इज इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, तो केल्विन की जगह 400 रखो, सिर्फ वैल्यू वैल्यू रखी जाएगी, डिग्री सेल्सियस ऐसे ही रहने दो और प्लस 273। तो 400 में से 273 माइनस करो, वो चीज़ जब इधर आएगी तो निगेटिव बन जाएगी, डिग्री सेल्सियस वहीं बना रहा राइट में, तो ये कितना बन गया 127। सो डिग्री सेल्सियस यानी 400 केल्विन में 127 डिग्री सेल्सियस, 400 केल्विन इज इक्वल्स टू 127 डिग्री सेल्सियस, तो ये चीज हो गई। तो इस तरीके से हम इंटर कन्वर्सन कर सकते हैं, एक यूनिट का दूसरी यूनिट में हम बदल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। तो अब हम इन टेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं कि क्या पूछे गए हैं और उनके क्या आंसर्स हैं। इन टेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 9, पेज नंबर 9 में आपके कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं तो हम इन्हें सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू सेल्सियस स्केल। दिया है 300 केल्विन और इसको आपको सेल्सियस स्केल में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे। नाउ वी नो दैट केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। वैसे अगर एग्जैक्टली देखा जाए तो ये 273 ना हो करके 273.16 होता है, लेकिन हम लोग अप्रोक्सीमेटली 273 लेते हैं, एग्जैक्ट इसकी वैल्यू 273.16 है, ये आपकी बुक के नीचे लिखा है, आप इसे पढ़ लें। वो चीज़ जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, 273.16। तो कन्वीनियंस के लिए हम ऐसा लेते हैं, बाकी आगे की क्लासेस में आपको 273.16 ही लेना है,
टेंथ में आपको 273.16 ही लेना पड़ेगा। तो 300 केल्विन, तो 300 रख दो केल्विन की जगह, हमें तो सेल्सियस में बदलना है। सो दिस इज डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो डिग्री सेल्सियस वही रहने दो, 273 को इधर निगेटिव करके ले आओ, तो ये कितना आ गया, 27 डिग्री सेल्सियस। तो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट में लिख दीजिए कि 300 केल्विन इज इक्वल्स टू 27 डिग्री सेल्सियस। इस स्टेटमेंट का महत्व है, ऐसा लिखना होगा आपको। ऐसे ही इसका बी पार्ट, बी पार्ट कहता है कि कन्वर्ट 573 केल्विन, 573 केल्विन, तो इसको भी बदलना है आपको। फार्मूला क्या है, तो केल्विन कितना है, डिग्री सेल्सियस प्लस 273, तो इसको इधर ले आइए, डिग्री सेल्सियस, तो इसको सब्ट्रैक्ट करो, तो 300 इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस। तो इससे क्या पता चलता है, ये चीज मैं इधर ले आया, फार्मूला लिखा, वैल्यू डाली के की, और फिर इसको इधर ले आया, तो इधर लाने के बाद 300 आया, यानी 573 केल्विन इस 300 डिग्री सेल्सियस। तो ये चीज हमने बता दी कि ऐसा होता है। अब अगले क्वेश्चन में क्या पूछता है, सेकंड क्वेश्चन में, कि व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस, और बी में कहता है 100 डिग्री सेल्सियस। दो चीजें पूछी गई हैं कि 250 डिग्री सेल्सियस में वाटर क्या होगा, लिक्विड होगा कि गैस होगा कि सॉलिड होगा, ऐसे ही 100 डिग्री सेल्सियस में क्या होगा। तो किसी भी चीज की जो फिजिकल स्टेट हम डिटरमाइन करते हैं, तो उसके लिए हमें उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पता होना चाहिए। जैसे कि वाटर के केस में जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस, इसका मेल्टिंग पॉइंट है जिस पर ये पिघलता है, और 100 डिग्री सेल्सियस क्या है, इसका बॉइलिंग पॉइंट जिस पर ये बॉइल करता है। तो मेल्टिंग पॉइंट पे वो चीज़ पिघलेगी और लिक्विड बन जाएगी, और मेल्टिंग पॉइंट से पहले यानी निगेटिव टेम्परेचर जो भी होंगे तो वहां पर वो सॉलिड रहेगी। निगेटिव का मतलब जैसे -25 डिग्री सेल्सियस ऐसा, तो वहां तो वो सॉलिड रहती है ना बर्फ, तो जब बढ़ाओगे टेम्परेचर तभी तो, जीरो जीरो से तो वो पिघलना शुरू करती है, तो 0 डिग्री पर वो मेल्ट होती है। अच्छा, 100 डिग्री पर वो स्टीम बनना शुरू करती है, तो 100 के ऊपर वो क्या रहेगा, स्टीम या गैस। तो जो वाटर है वो इस तरीके से काम करता है। तो अब हमें देखना पड़ेगा 250 डिग्री सेल्सियस कहाँ है, क्योंकि ए पार्ट में कहा गया है 250 डिग्री सेल्सियस। सो 250 डिग्री सेल्सियस इज हायर देन द बॉइलिंग पॉइंट, यहां आएगा 250 डिग्री सेल्सियस। सो 250 डिग्री सेल्सियस इज द टेम्परेचर हायर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। सो फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर इज गैस, सो फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर इज गैस एट दिस टेम्परेचर। इस टेम्परेचर पर जो वाटर है 250 डिग्री सेल्सियस पर वो गैस होगा। अब 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा,
100 डिग्री सेल्सियस जो है वो एक इंटरफेज है, इट इज़ द टेम्परेचर ऑफ फेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें कि लिक्विड और गैस स्टेट को एग्जिस्ट करती हैं। सो लिक्विड और प्लस गैस, सो दोनों स्टेट होती हैं। इसी तरीके से 0 डिग्री भी फेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, यहाँ पर सॉलिड वाटर भी होगा और लिक्विड वाटर भी होगा, बर्फ पिघलती रहेगी। तो ये जो चीज़ें होती हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, दैट आर इंटरफेज, दैट इज द फेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन वेयर बोथ स्टेट्स को एग्जिस्ट, दिस वेयर बोथ स्टेट को एग्जिस्ट। तो बी पार्ट, 100 डिग्री सेल्सियस इज फेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये कैसा है, फेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लिक्विड वाटर इंटू गैसियस वाटर, ऑफ लिक्विड वाटर टू स्टीम। तो 100 डिग्री क्या, एज इट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। सो लिक्विड एंड गैसियस स्टेट को एग्जिस्ट एट दिस टेम्परेचर, इसलिए द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था दोनों एक साथ अस्तित्व में होती हैं इसके क्वथनांक पर। सो लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट को एग्जिस्ट एट दिस टेम्परेचर। इस टेम्परेचर को 100 डिग्री सेल्सियस को स्टीम पॉइंट भी कहते हैं वाटर का, और इसको आइस पॉइंट कहते हैं, ऐसा भी कहा जाता है, कहीं बोला जाए तो यही समझना। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या कहा गया है, कहा गया है फॉर एनी सब्सटेंस वाई डज द टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, फॉर एनी सब्सटेंस वाई डज द टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट। वैसे ये बात हमने आपको बता दी है, ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट टेम्परेचर नहीं बदलता। अब कोई भी चीज़ पिघल रही हो, अगर आइस पिघल कर पानी बन रही हो, तो उस समय थर्मोमीटर डाल दो, जब तक पूरा बर्फ पानी में न बदल जाए तब तक वो 0 डिग्री ही रहेगा। और अगर पानी उबल रहा हो तो थर्मोमीटर आप डाल दीजिए, पानी को उबलने दीजिए, आपके थर्मोमीटर में 100 पर ही रुक जाएगी मरकरी, वो ऊपर नहीं उठेगी जब तक कि पूरा पानी स्टीम में न बदल जाए। तो वही कह रहा है कि जब जब एक स्टेट से मैटर दूसरे स्टेट में बदलता है तो थर्मोमीटर अपनी जगह रुक क्यों जाता है, सो वाई डज द टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट। तो जब भी चेंज ऑफ स्टेट होती है, द हीट सप्लाइड, जो भी उसको हीट सप्लाई की जाएगी, हीट एनर्जी, हीट सप्लाइड इज टोटली यूटिलाइज्ड इन ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। एंड ब्रेकिंग द बॉन्ड्स बिटवीन देम।
वो सारी हीट जो दी जाती है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में इस्तेमाल हो जाती है और बॉन्ड तोड़ने में। सो द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस डज नॉट राइज ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट। सो द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस डज नॉट राइज ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट। ये चीज है। नाउ सजेस्ट ए मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस। सजेस्ट ए मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक, एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस हैं, उन्हें कैसे लिक्विफाई करोगे? हमने आपको बता दिया था कि लिक्विड नाइट्रोजन दिखाई थी, यानी गैसेस को लिक्विफाई तो कर सकते हैं, लिक्विड में तो बदल सकते हैं, तो कैसे बदला गया होगा लिक्विड नाइट्रोजन में? तो वो चीज़ पूछी जा रही है। बाई रिपीटेड कंप्रेशन एंड कूलिंग, बाई रिपीटेड कंप्रेशन एंड कूलिंग, बार बार कंप्रेस करो और बार बार कूल करो, एंड देन बाई जेट एक्सपेंशन, सडन एक्सपेंशन, देन बाई सडन एक्सपेंशन या जेट एक्सपेंशन, सब कूल करो, फिर अचानक उनको क्या करो, एक्सपेंड कर दो। जैसे हमने कहा ना, फूकोगे तो ठंडी हवा निकलती, तो वो और कूल हो जाएंगी, फिर किसी चीज़ को एक्सपेंड करते हो तो और कूल हो जाती हैं। यही चीज़ फ्रिज में भी यूज़ होती है। फ्रिज में जो आपका फ्रीजर है, वहाँ हवा को एक नोजल से छोड़ा जाता है, जो कंप्रेसर की गैस है, तो वो इतनी कूल हो जाती है कि वो आसपास के जो भी चीज़ है उसको बर्फ में बदल देती है। तो इस तरीके से, एंड बाई सडन एक्सपेंशन, यही चीज एसी में भी होती है, दैट इज जेट एक्सपेंशन। और उस चीज को एक्सपेंड करने के लिए कंप्रेसर लगा है, वो इतना फोर्स डालता है पीछे से कि हवा बहुत छोटे से छेद से निकल जाती है। तो इस तरीके से भाई जेट एक्सपेंशन एटमॉस्फेरिक गैसेस कैन बी लिक्विफाइड, एटमॉस्फेरिक गैसेस कैन बी लिक्विफाइड। ऐसा करने से हम गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं। नाउ इसके बाद हम लोग कुछ इवेपरेशन के बारे में जानते हैं। अगला टॉपिक है इवेपरेशन। वी नो द पार्टिकल्स एट द सरफेस ऑफ लिक्विड आर बॉन्डेड बाई लेस मॉलिक्यूल्स, सो फॉर देम इट इज इजियर टू लीव द सरफेस। जो पार्टिकल लिक्विड के सरफेस में हैं वो लेस मॉलिक्यूल से बॉन्डेड हैं, वो एक दो तीन चार सही हैं, बीच वाला जो है वो बहुतों से बॉन्डेड है, तो उसके लिए उन बॉन्ड्स को तोड़ना मुश्किल है। लेकिन जो सरफेस पर है, इट कैन टेक एनर्जी फ्रॉम एटमॉस्फियर और आइदर फ्रॉम लिक्विड, इसको थोड़ी सी एनर्जी कोई दे दे तो हाथ छुड़ा के भाग जाए, क्योंकि तीन ही चार से बॉन्डेड है। सो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट से नीचे के टेम्परेचर पर भी इवेपरेशन होता ही रहता है। आप देखें कि वाटर अगर रखा है कहीं पर तो उड़ता रहता है, जमीन में पानी गिरा है तो उड़ जाता है, तो सरफेस से इवेपरेशन होता रहता है। सो वेपराइजेशन विच टेक्स प्लेस एट सरफेस इज कॉल्ड इवेपरेशन, या सरफेशियल वेपराइजेशन इज कॉल्ड इवेपरेशन। क्यों? क्योंकि उस वो लेस मॉलिक्यूल से बॉन्डेड है, इसलिए आसानी से थोड़ी सी एनर्जी लेकर, वो अंदर से अगर एनर्जी लेगा तो अंदर का पानी धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा, तो
और रात का पानी अगर बकेट में रख दो तो सुबह तक ठंडा हो जाता है, क्योंकि थोड़ा सा पानी अंदर में से एनर्जी लेके उड़ जाता है। विच टेक्स प्लेस एट द सरफेस ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड इवेपोरेशन। उसको क्या कहते हैं? इवेपोरेशन। इवेपोरेशन टेक्स प्लेस बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। बिलो बॉइलिंग पॉइंट एंड इवेपरेशन कॉजेस कूलिंग। जब वो अंदर से हीट लेकर के निकलेगा तो अंदर तो हीट कम होती चली जाएगी, सो इसलिए इवेपरेशन कॉजेस कूलिंग। नाउ इवेपरेशन कॉजेस कूलिंग। क्यों कूलिंग करते हैं? एज मॉलिक्यूल एट द सरफेस टेक एनर्जी आइदर फ्रॉम एटमॉस्फियर और फ्रॉम बल्क ऑफ लिक्विड। या तो एटमॉस्फेयर से एनर्जी ले लेते हैं या जो वाटर है या लिक्विड है उससे एनर्जी ले लेते हैं। एज पार्टिकल्स एट सरफेस आइदर एक्वायर या गेन कर लेते हैं, एक्वायर लिख सकते हो या गेन करना एक ही बात है। दे एक्वायर एनर्जी फ्रॉम बल्क ऑफ लिक्विड। मेनली तो वो बल्क ऑफ लिक्विड से ही लेते हैं क्योंकि वो उनके इमीडिएट कांटेक्ट में होता है, और फ्रॉम एटमॉस्फियर। ऐसा एटमॉस्फेयर से भी लेते हैं, जैसे धूप पड़ती है तो पानी उड़ जाता है, तो एटमॉस्फेयर से भी कभी कभी ले लेते हैं। ठीक है, सो एक्वायर एनर्जी, और वो जो सरफेस के पार्टिकल्स हैं वो एनर्जी एक्वायर कर लेते हैं एंड गेट एवेपराइज्ड। एंड गेट वेपराइज्ड, वो वेपराइज हो जाते हैं, सो वो कूलिंग करते हैं, इसलिए वो बल्क ऑफ लिक्विड को कूल कर देते हैं। तो इस तरीके से इवेपरेशन कॉजेस कूलिंग। इवेपरेशन इज ए स्लो प्रोसेस, तो ये भी हम जानते हैं। हम क्या हमारे जो डेली लाइफ में इवेपरेशन का कुछ महत्व है? इज देयर एनी इंपॉर्टेंस ऑफ इवेपरेशन इन आवर डे टू डे लाइफ? सो लेट अस सी इट एंड ऑल्सो सी ऑन वॉट फैक्टर्स डज द इवेपरेशन डिपेंड्स। सो ऑन वॉट फैक्टर्स डज इवेपरेशन डिपेंड्स? सो पहली चीज, इफ सरफेस एरिया इज इंक्रीज्ड, अगर पानी थोड़ी जगह में फैला है और वो पूरे कमरे में फैला दो तो क्या वो पानी जल्दी उड़ जाएगा? तो हाँ उड़ जाएगा। अगर कपड़े को मोड़ के डालो और एक है कि कपड़े को फैला के डालो, तो कपड़ा जल्दी कब सूखेगा? जब आप उसको पूरी तरीके से खोल के डालेंगे। सो अगर सरफेस एरिया बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? एज इवेपरेशन इज सरफेशियल फिनोमिना, तो जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो उतना ज्यादा ही इवेपरेशन होगा। एज इवेपरेशन इज सरफेशियल फिनोमिना।
सो विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया रेट ऑफ इवेपरेशन इंक्रीजेस. सो विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया रेट ऑफ इवेपरेशन इंक्रीजेस. जितना सरफेस एरिया बढ़ा दोगे, वही मग में पानी रखोगे तो नहीं उड़ पाएगा, पूरे जमीन में बरामदे में फैला दो, हॉल में फैला दो एक मग पानी तो जल्दी उड़ जाएगा. तो सरफेस एरिया बढ़ाने से इवेपोरेशन तेज होता है, जल्दी जल्दी पानी उड़ता है, पहली बात. दूसरी बात, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, अगर मान लें आप एक मग पानी धूप में फैला दें छत पे और एक है कमरे में फैलाएं, तो पानी कब जल्दी उड़ेगा? क्योंकि पार्टिकल्स को एनर्जी चाहिए. अगर उनको एनर्जी डायरेक्टली टेम्परेचर से या सन से मिल रही है, कहीं से भी टेम्परेचर बढ़ा दो उनको एनर्जी मिलेगी, वो भाग जाएंगे सरफेस छोड़कर, और अपने बीच के जो फोर्स इंटरमोलिकुलर फोर्स है उसको ओवरकम कर देंगे. सो इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज, हम अपने कपड़े धूप में डालने क्यों जाते हैं? कि जिससे उसमें जल्दी से जल्दी इवेपरेशन हो और वो जल्दी से जल्दी सूख जाए, तो छाया में नहीं डालते. सो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेन इनफ काइनेटिक एनर्जी, उनके पास इतनी ज्यादा एनर्जी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी टू ओवरकम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. एंड लीव द सरफेस, और अपनी सरफेस को छोड़ देंगे. तो इससे क्या पता चलता है? सो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेट ऑफ इवेपरेशन इंक्रीजेस. सो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस. इंक्रीजेस तापमान के बढ़ने पर वाष्पन की दर बढ़ती है. थर्ड, इंक्रीज इन विंड स्पीड, इफ विंड स्पीड इज इंक्रीज्ड, अगर आप अपना गीला रुमाल पंखे के सामने लटका दें तो क्या होगा? तो वो जल्दी सूख जाएगा, और ऐसे कहीं डाल दें तो नहीं सूखेगा. तो उससे क्या होगा कि जितने पार्टिकल इवेपरेट हो रहे हैं, तो वो पंखा क्या करेगा, जो विंड स्पीड है उसको वहां से हटा देगा, तो नए पार्टिकल इवेपरेट हो पाएंगे. मान लीजिए कमरे में बहुत भीड़ है और वो लोग निकलना चाहते हैं, लेकिन बाहर भी भीड़ है, तो वो निकल नहीं पाएंगे. क्यों? क्योंकि उनको निकलने के लिए बाहर की जगह खाली चाहिए. तो जो नए पार्टिकल इवेपरेट हो रहे हैं, अगर पहले से ही वहाँ वाटर के पार्टिकल मौजूद हैं हवा में, तो नए पार्टिकल को मुश्किल होगी. तो विंड स्पीड क्या करती है, जैसे जैसे इवेपरेशन होता है वैसे वैसे उनको वो वहाँ से हटा ले जाती है. इट ब्लोज द पार्टिकल गेटिंग इवेपरेटर इवेपरेटेड, सो न्यू पार्टिकल गेट एक्सेस टू द एटमोसफियर एंड इट फैसिलिटेट्स देम टू गेट इवेपरेटेड. और वैसे भी जो विंड होती है उसमें विंड एनर्जी होती है, तो वो एनर्जी भी पार्टिकल
गेन करता है और उस एनर्जी से वो फोर्स को ओवरकम करता है और इवेपरेट होता है। कहने का मतलब है अगर हवा बढ़ा दी जाए तो इवेपरेशन की स्पीड भी बढ़ जाती है। सो विद इंक्रीज इन विंड स्पीड तेज हवा चलती हो तो कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं। इन विंड स्पीड सो वाटर वेपर्स गेटिंग इवेपोरेटेड इज ब्लोन अवे फ्रॉम विंड। वाटर वेपर, ये किसी भी के लिए भी ट्रू है, मैं तो वाटर वेपर के लिए इन जनरल बता रहा हूँ, वरना कोई भी वेपर हो। सो हर एक चीज, कोई भी लिक्विड अगर गैस में बदल रहा है तो वो इवेपोरेशन है। वाटर वेपर ये एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल है, इज ब्लोन अवे फ्रॉम विंड। विंड उनको क्या करती है, ब्लो अवे कर लेती है। ब्लोन अवे फ्रॉम विंड एंड फैसिलिटेट्स न्यू पार्टिकल्स टू गेट इवेपोरेटेड। फैसिलिटेट्स न्यू पार्टिकल्स टू गेट इवेपोरेटेड। इस तरीके से विद इंक्रीज इन विंड स्पीड रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस। विद इंक्रीज इन विंड स्पीड रेट ऑफ प्रेशन इंक्रीजेस। ये तो रेट ऑफ इवेपरेशन बढ़ता है, विंड स्पीड बढ़ाओगे तो इवेपरेशन भी बढ़ेगा। चौथी चीज क्या है, तो चौथी चीज है कि ह्यूमिडिटी। इफ ह्यूमिडिटी इज इंक्रीज्ड, अगर हवा में नमी ज्यादा है, हवा में वाटर वेपर्स ज्यादा हैं, ऐसा रेन में होता है, जब रेनी सीजन होता है तो जो एयर है उसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है, इट कैरीज मोर अमाउंट ऑफ वाटर, ह्यूमिडिटी यानी नमी। तो ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो अगर बारिश में कपड़े बाहर डाल दोगे तो वो सूखते ही नहीं है, क्योंकि जब एयर में ही पहले से वाटर पार्टिकल मौजूद हैं तो वो पार्टिकल कपड़े से बाहर निकलेंगे ही नहीं, क्योंकि बाहर पहले से ही पानी के पार्टिकल हैं। आपको मालूम है कि जो सैंड होती है वो सबसे ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्व कर लेती है, तो जो राजस्थानी एरिया है यहाँ पर ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो सैंड है वो सारा एटमॉस्फेरिक वेपर एब्जॉर्व कर लेती है। और बीकानेर में सैंड बहुत ज़्यादा है, तो बीकानेर में आप देखेंगे वाटर में ह्यूमिडिटी का लीस्ट परसेंटेज है, और इसलिए चाहे हल्दीराम की भुजिया हो और यहाँ बीका जी की हो, वो बीकानेर में ही बनती है, क्योंकि उसमें फिर क्रिस्पीनेस रहती है, वो वहाँ पैक होती है और उसमें ह्यूमिडिटी नमी नहीं जाने पाती। तो इस वजह से जितने भी मिक्सचर भारत में सप्लाई किए जाते हैं और वर्ल्ड में सप्लाई किए जाते हैं वो बीकानेर में ही बन के सप्लाई किए जाते हैं, बिकॉज वहाँ ह्यूमिडिटी कम है, ड्राइनेस है। और वही जो सी शोर के इलाके हैं, चाहे मुंबई हो, चाहे चेन्नई हो, कोलकाता हो, तो वहाँ सी शोर से वाटर वेपर बहुत होती है और एयर में कैरी करती है, तो स्किन पे उमस होगी, गीलापन होगा, इस तरीके से हम देखते हैं। तो ह्यूमिडिटी का मतलब है कि वाटर परसेंटेज कितना एटमॉस्फियर में है। जहाँ चेन्नई में 90% ह्यूमिडिटी है, वहीं बीकानेर में 2 या 3% ह्यूमिडिटी है, तो ह्यूमिडिटी कम है, तो इसलिए वहाँ पर मिक्सचर्स बनाए जाते हैं, जो भी चीज़ें हैं। खैर जो भी हो, ह्यूमिडिटी का मतलब तो आप समझ में आ गए ना कि वाटर वेपर कम होना। तो वाटर वेपर अगर कम है एटमॉस्फेयर में तो जल्दी जल्दी इवोपरेशन होगा, लेकिन अगर ज़्यादा है, 90% है, इंक्रीज कर दोगे तो आप वहाँ पर जहाँ बहुत ज़्यादा पानी एटमॉस्फेयर में पहले से है तो नया पानी कैसे निकलेगा। सो इफ ह्यूमिडिटी इज इंक्रीज्ड तो क्या होगा, एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन ए डेफिनिट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। ह्यूमिडिटी जो है वाटर, ऐसा कभी
बहुत अगर आप वेपराइजेशन करोगे तो वो फिर से ड्रॉपलेट बन करके उसी कपड़े पे गिर जाएगा। मान लो आपने ह्यूमिड एयर में कपड़ा सुखाना चाहा, तो जो एयर है वो वाटर वेपर को एक स्तर से ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकती। देयर इज़ ए मैक्सिमम फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर वेपर विच कैन एयर होल्ड। तो अगर ह्यूमिड एयर है तो उसमें आप सोचोगे कि और इवेपरेशन हो जाए तो नहीं होगा। तो इसलिए जो रेट ऑफ इवेपरेशन है वो ज़्यादा ह्यूमिडिटी में हो नहीं पाता, क्योंकि एयर होल्ड ही नहीं कर सकती ज़्यादा वाटर वेपर, और इसलिए वो वापस उसी कपड़े पे ही भेज देती है, तो कपड़ा गीला बना रहेगा। सो एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड वाटर वेपर मोर देन ए डेफिनेट अमाउंट। सो इफ ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस देन ह्यूमिडिटी बढ़ जाए देन रेट ऑफ इवेपरेशन डिक्रीजेस, क्योंकि पहले से ही वाटर वेपर होगा तो और लेना ही नहीं चाहिए वाटर वेपर। रेट ऑफ इवेपरेशन डिक्रीजेस। तो तीन चीजें, सरफेस एरिया बढ़ा दो तो सरफेस एरिया इंक्रीज करने पर जो इवेपरेशन बढ़ जाता है, इवेपरेशन इंक्रीज हो जाता है। टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड देन इवेपरेशन इंक्रीजेस, टेम्परेचर बढ़ा तो इवेपरेशन बढ़ गया। विंड स्पीड इज इंक्रीज्ड, इवेपरेशन इंक्रीजेस। एंड ह्यूमिडिटी इंक्रीज्ड, इवेपरेशन डिक्रीजेस। ये बात ध्यान रखनी है कि इवेपरेशन के बारे में अगर आप जिस्ट में कहना चाहो तो क्या कहोगे कि रेट ऑफ इवेपरेशन इंक्रीजेस विद, कैसे ज्यादा इवेपरेशन होगा, इंक्रीजेस विद, पहली चीज इंक्रीज इन सरफेस एरिया, इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन विंड स्पीड। ये सब चीजें बढ़ेंगी तो इवेपरेशन बढ़ेगा। खूब तेज हवा भी चल रही हो, खूब टेम्परेचर भी हो और खूब सरफेस एरिया हो। कूलर में यही तीन चीज होती हैं। जो पानी गिरता है वो बहुत बड़े सरफेस एरिया में घास पे गिरता है, और खूब धूप भी रहती है और एग्जॉस्ट से हवा भी मिलती है, तो पानी खूब इवेपरेशन होता है, और इवेपरेशन कॉजेस कूलिंग। तो कूलिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है उस पानी की कि अगर कूलर के पानी में हाथ डालो तो पानी खूब ठंडा लगेगा, और उस ठंडे पानी से जो हवा आती है एग्जॉस्ट की वो बिल्कुल ठंडी ठंडी आती है। तो कूलर में ये तीन चीज़ होती है, और चौथी चीज़ भी होती है, यानी डेजर्ट कूलर उसे क्यों कहते हैं, क्योंकि डेजर्ट या रेगिस्तानी इलाकों में ह्यूमिडिटी कम होती है। तो डिक्रीज, अगर ह्यूमिडिटी कम होगी तो खूब इवेपरेशन होगा। बाहर पानी, हवा में पानी ही नहीं है तो इवेपरेशन तो बढ़ेगा, जल्दी जल्दी पानी की बूंदें निकलेंगी, इवेपरेट होंगी। सो डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। तो कूलर इन चारों चीजों को एप्लीकेशन करता है, ये चीज। तो रेट ऑफ इवेपरेशन इन चारों फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। नाउ क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ डज इवेपरेशन कॉजेस कूलिंग, हाउ डज इवेपरेशन कॉजेस कूलिंग, कैसे कूलिंग करता है। सो पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड, जो
पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स एट द सरफेस ऑफ लिक्विड, लिक्विड गेन एनर्जी, गेन एनर्जी, एनर्जी ले लेते हैं फ्रॉम बल्क, बल्क का मतलब पूरे पानी से, बल्क का मतलब होता है फ्रॉम बल्क, पूरे पानी से, फ्रॉम बल्क, एंड ओवरकम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ओवरकम इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो उन्होंने पानी से एनर्जी ली और उसी एनर्जी से वो क्या किए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर गए एंड लीव द सरफेस, सरफेस को छोड़ देते हैं टू गेट वेपराइज्ड। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज, फिर जब वो निकल गए तो दूसरे पार्टिकल सरफेस पर आ गए, वो भी यही करते हैं। दिस पार्टिकल्स, दिस प्रोसेस कंटिन्यूज, यही प्रोसेस चलता रहता है एंड जो भी होगा द लिक्विड बिकम्स कूल्ड। तो इस तरीके से दिस प्रूव्स दैट इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। तो पहले पहले वाले सरफेस के निकल गए, फिर जो दूसरे सरफेस पे आए वो निकल गए, धीरे धीरे लिक्विड ठंडा होता चला गया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इवेपरेशन से कूलिंग होती है। तो बच्चों इस क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे डिस्कस करेंगे कि इवेपरेशन के हमारे लाइफ में क्या एप्लीकेशंस हैं। थैंक यू बच्चों।